हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मोबाइल चार्जर से एक मिनी एम्पलीफायर बना सकते हैं, जो कि मोबाइल चार्जर से इसका हम सप्लाई देंगे। और आईसी जो यूज करेंगे दोस्तों, ये LM386 होगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका जो डाइग्राम है LM386 का, ये दोस्तों आईसी जो है ये मात्र 10 रुपये में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस आईसी में टोटल 8 फिन होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, फिर यहाँ से होगा, ऐसे करके ऐसे इसका पिन का क्वांटिंग होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास LM386 है, LM386 आईसी है। आज हम इसी का एम्पलीफायर, मिनी एम्पलीफायर बनाएंगे। बनाने से पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि सबसे मेन डायग्राम को समझना है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक पिन से लेकर और 8 नंबर पिन में जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये दोस्तों अगर नहीं लगाएंगे फिर भी हमारा ये एम्पलीफायर चलेगा, लेकिन ये लगाने से आवाज़ हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए हम इसमें 10 UF, 35 वोल्ट, आप 25 वोल्ट भी लगा सकते हैं, 16 वोल्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 10 UF होना चाहिए, यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे और 2 नंबर पिन के दोस्तों और 4 नंबर पिन को एक साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, और ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। और 3 नंबर पिन दोस्तों हमारा ऑडियो इनपुट हो जाएगा। और 5 नंबर पिन यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, 5 नंबर पिन में हमारा 100 UF, 25 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट तक एक कैपेसिटर लगा के ऑडियो आउटपुट हो जाएगा। एक मेन ये हो जाएगा और ग्राउंड से ले लेंगे। और यहाँ पे 6 नंबर पिन में दोस्तों हम 4 वोल्ट से 9 वोल्ट तक इसको DC दे सकते हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों, 6 नंबर पिन में यहाँ पर 1000 UF और 16 वोल्ट कैपेसिटर, 25 वोल्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक ग्राउंड में गया हूँ ये फ़िल्टर के लिए, सप्लाई फ़िल्टर के लिए, और ये 7 नंबर पिन खाली रहेगा। 8 नंबर पिन और 1 नंबर पिन मैंने बताया था कैपेसिटर लगेगा। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ पे जैसा कि ऑडियो इनपुट एक मेन हो गया, यहाँ पे आप लेफ्ट राइट दोनों में से कोई ले सकते हैं, और एक ग्राउंड से ले लेंगे, लेफ्ट राइट और एक ग्राउंड ले लेंगे। और यहाँ पर प्लस हो गया और एक ग्राउंड से ले लेंगे, और स्पीकर का ये मेन हो गया एक, और एक ग्राउंड से ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा एम्पलीफायर बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले हम 2 नंबर पिन और 4 नंबर पिन को एक साथ कनेक्शन कर लेते हैं इस कैपेसिटर के जरिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 16 वोल्ट और 1000 UF का एक कैपेसिटर लिया है। हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं 2 नंबर पिन में और 4 नंबर पिन को ऐसे करके। यहाँ पे मैंने 6 नंबर पिन में कनेक्शन कर दिया है। अब हम स्पीकर का कनेक्शन करेंगे दोस्तों। इसमें जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, 5 नंबर पिन में, 5 नंबर पिन में पॉजिटिव कर लेंगे, प्लस हमारा रहेगा। मैंने ये 5 नंबर पिन में कर लिया है, देख सकते हैं इधर से। ये 5 नंबर पिन में मैंने एक कैपेसिटर का, जिसका वैल्यू 100 UF, 50 वोल्ट है, ये हमारा स्पीकर आउटपुट हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, 10 UF, 35 वोल्ट, तो मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर इसमें 1 नंबर पिन से लेकर 8 नंबर पिन में लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया है 1 नंबर से लेकर 8 नंबर पिन में, ये हमारा तैयार हो गया दोस्तों। अब हम इसमें ऑडियो इनपुट का जैक लगाएंगे, ये वाला। तो दोस्तों, लेफ्ट राइट को हम एक साथ कनेक्ट करके 3 नंबर पिन में जोड़ देंगे। जैसे 3 नंबर खाली है, देख सकते हैं, 3 नंबर में हम कनेक्शन कर देंगे, ये हो गया। और एक ग्राउंड में कर देंगे ऑडियो इनपुट का, ये तो मेन हो गया, और एक ग्राउंड में इसमें कर देंगे, जाके हमारा पावर सप्लाई होगा। ये हो गया दोस्तों, ये ऑडियो इनपुट का एक ग्राउंड में ले लेंगे और 3 नंबर पिन में ले लेंगे, तो हमारा ये ऑडियो इनपुट हो जाएगा। अब हम इसमें स्पीकर का कनेक्शन करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, इस पर आप 4 इंची का रेडियो का स्पीकर यूज कर सकते हैं। तो LM386 में दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पर दोनों टर्मिनल में एक 104J का PF लगा लेंगे साउंड फिल्टर के लिए। और यहाँ पर मैं स्पीकर का कनेक्शन कर दूंगा दोस्तों, एक ग्राउंड में ले लेंगे और एक 5 नंबर पिन में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें ले लेंगे।
तो यहाँ हम एक ग्राउंड में ले लेते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ कैपेसिटर में, और एक ग्राउंड में ले लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने स्पीकर का कनेक्शन कर लिया है, 5 नंबर पिन में जो कैपेसिटर लगा है स्पीकर का उसमें, और एक ग्राउंड में कर लिया है। अब हम इसमें सप्लाई देंगे, यस, एक 5 वोल्ट के चार्जर से। आप चाहे तो बैटरी से, मोबाइल के बैटरी से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों 6 नंबर में हमारा प्लस हो जाएगा, तो हम 6 नंबर में इसका कनेक्शन कर देंगे। जहाँ यहाँ पर मेरा कैपेसिटर लगा था हम डायरेक्ट उसी में कर देंगे। ये हमारा 6 नंबर है, और ये हमारा एक ग्राउंड में ले लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल देख सकते हैं सप्लाई का मैंने 6 नंबर पिन में प्लस दे दिया है। ये 6 नंबर पिन है, प्लस का दे दिया है और ये ग्राउंड में दे दिया है। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने मॉड्यूल से इसको कनेक्ट करते हैं। मॉड्यूल से कनेक्ट कर दिया, अब हम इसमें सप्लाई देते हैं दोस्तों। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस तरह से एक मिनी एम्पलीफायर बना सकते हैं मोबाइल के चार्जर से। बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी है इसका, इसमें हमिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है, और सप्लाई भी आप कैपेसिटर लगा देंगे, इससे हमिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो ये लगा है ये एक्स्ट्रा साउंड के लिए, अगर ये हटा देंगे तो साउंड कम हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, अगर इसको हटा देंगे तो हमारा साउंड कम हो जाएगा। कम हो गया साउंड दोस्तों, इस कैपेसिटर को लगाने से एक्स्ट्रा साउंड आ जाता है इसमें, देखिए एक्स्ट्रा साउंड आ जाता है इसमें। तो हम इसको कनेक्शन कर देंगे। इससे आप 4 इंच का भी स्पीकर, रेडियो का स्पीकर जो होगा दोस्तों, 4 इंच का सिर्फ रेडियो का स्पीकर इससे चलेगा, बहुत अच्छा साउंड लगेगा दोस्तों। और ये IC दोस्तों फिलिप्स के रेडियो में यूज किया जाता है साउंड के लिए, क्योंकि इसका साउंड अच्छा क्वालिटी देता है, इसलिए फिलिप्स के रेडियो में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा साउंड दे रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।